जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। आज मैं आपको बताने आया हूँ नॉर्मलाइजेशन का आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट रहेगा एसएससी जीडी एग्जाम में। देखिए, क्या नॉर्मलाइजेशन भाग्य पर काम करता, कहीं आपने भी ज्यादा अटेम्प्ट करके गलती तो ना कर दी। इन सारे सवालों के जवाब जानिए, क्या जिसने कम गलत किए उनको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिलेगा, या दूसरा क्या 50 अटेम्प्ट वाला 80+ से आगे निकल जाएगा। सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक ही वीडियो में देने जा रहा हूं, तो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पेपर का लेवल पर डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन, और सेकंड पोजीशन होती है आपका, सेकंड कंडीशन उसकी होती है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। उन्हीं दो चीजों पर यहां से आपका नॉर्मलाइजेशन फिक्स होता है। तो देखिएगा, पेपर का लेवल या तो हार्ड रहेगा, या थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, या तीसरा आप कह सकते हो सर बिल्कुल इजी पेपर रहेगा। तो जो इजी पेपर है उसके तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-3 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मॉडरेट लेवल होगा उसमें आप कहेंगे सर 7 से 8 नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हार्ड शिफ्ट होती है इसमें 20 से लेकर 25 25 नंबर तक आपके बढ़े हुए मैंने देखे हैं पिछले एग्जामों में, जिसमें 25 25 मार्क्स एक बंदे के बढ़ गए। लेकिन क्या सर हार्ड शिफ्ट था और एक बंदे ने 100 क्वेश्चन में से 60 किया, एक ने 40 किया, एक 40 किया उसके पूर्ण एक्यूरेसी है, 100% क्वेश्चन उसके सही है। 60 वाले ने क्या किया, अगर 16 क्वेश्चन गलत कर दिए, 60 वाले के 16 क्वेश्चन इसमें से गलत हो गए, कितने बचे, 44 क्वेश्चन उसके सही बचे। लेकिन सर नेगेटिव मार्किंग भी तो था, 1/4 यहां से नेगेटिव मार्किंग काटते हैं 16 का, तो 4 नंबर उसका नेगेटिव मार्किंग का कम हो गया, अब 40 नंबर बचे। सर अब इनमें से फायदेमंद ये 40 वाला रहा या ये 40 वाला, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा किसका होगा? मैंने कहा नॉर्मलाइजेशन इस 40 अटेम्प्ट वाले का होगा, और इसका 40 से कम अगर 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन होकर ये 65 पर पहुंच जाएगा, नॉर्मलाइजेशन इसका भी होगा, क्योंकि इसने 100 में से 60 अटेम्प्ट ही किए हैं। पेपर का शिफ्ट बहुत ही हार्ड माना जा रहा है, 100 बंदे अगर एग्जाम दे रहे हैं इस हार्ड शिफ्ट में, तो 100 में से ऐसे बंदे हैं, 100 में से 40 बंदे ही हैं जो 40 45 स्कोर कर पा रहे हैं, बाकी सारे बंदे अपने पानी में हैं अभी भी। अब बताओ इस 40 वाले का फायदा या इस 65 वाले का, आप कहोगे इसका कितना होगा, इसका लास्ट 8 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका 48 नंबर हो गया, इसका 65 नंबर हो गया। अब बताओ 65 नंबर वाला तो सिलेक्शन ले लेता है, और 40 नंबर वाला यही आपका आसपास आपके भटकता रहेगा। तो यही कारण है, यही रीजन है कि हर बार 40 नंबर वाला नौकरी लग जाता है और 65 नंबर वाला नौकरी नहीं लग पाता है ना। 40 नंबर वाला 40 अटेम्प्ट वाला नौकरी लग गया और 60 वाला वहीं घूमता रह गया। दूसरा आपका, क्या जिसने कम गलत किए उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर उनका हार्ड शिफ्ट है तो। क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर उनका हार्ड शिफ्ट है तो उनको 20 से 22 22 अंक का नॉर्मलाइजेशन अंक मिलेगा, बिल्कुल सबको मिलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब, क्या नॉर्मलाइजेशन भाग्य पर काम करता है? नहीं करता भाई, भाग्य पर नाम काम नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन काम करता है एक्यूरेसी पर। किस पर? एक्यूरेसी पर काम करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से अबाव है तो आपका पूर्णतः नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिलता है हार्ड शिफ्ट में, और अगर आपकी नॉर्मलाइजेशन आपकी एक्यूरेसी अगर आपकी एक्यूरेसी 60% के करीब है, आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा तो मिलेगा, लेकिन 2-3 नंबर का मिलेगा। कितने का? 2-3 नंबर का आपको यहां से मिलने वाला है। तो ये सारी जानकारी, क्या कहीं आपने भी ज्यादा अटेम्प्ट करके गलती तो ना कर दी? हाँ बिल्कुल, अगर आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक बार फिर से सभी को जय हिंद।